स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम समझेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए यहाँ एक डिफिनेशन लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज डिटरमाइंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन से पहले डिसाइड कर ली जाती है कि कितनी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है कि हमने क्या किया कि एक प्रोडक्शन से पहले डिसाइड कर ली जाती है कि किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। एज ए एग्जाम्पल अगर हम लिए कि अगर कोई ABC लिमिटेड है, वो क्या करता है, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर्स करता है, तो ठीक है हमें क्या करना है, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है। हमें पता चल गया कि एक शर्ट को बनाने में हमें कितना 2 मीटर का कपड़ा लग रहा है, हमने ये सोचा था, और 1 मीटर का जो प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज़ पर मीटर है। तो एक शर्ट का दाम कितना हो गया, 200 हो गया, और हमें 100 शर्ट्स को बनाना है, तो कितने हो गए, 200 × 200, तो कितना हो जाएगा आपका, 20,000। ये 20,000 हमने क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, हमने ये सोचा था, ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, एक शर्ट में हमारा कितना लग रहा है, 3 मीटर, कितना लग रहा है, एक शर्ट को बनाने में कितना लग रहा है, 3 मीटर, और 1 मीटर का दाम कितना है, 100 रुपये पर मीटर। तो हमें बनाने कितने हैं, 100 शर्ट, तो कितने हो जाएंगे, 100 × 300, एक शर्ट का कितना हो गया, 300, ठीक है, तो कितना हो गया, 30,000। हमने जब पहले जो एक्चुअल हमने स्टैंडर्ड जो किया था वो कितना आया था आपका, 20,000, कितना आया था, 20,000 आया था, और एक्चुअली में कितना आया, 30,000, तो डिफरेंस कितने का आया, 10,000 का आया ना, कितना आया, 10,000 का डिफरेंस, मतलब हमने जो माना था, प्री डिटरमाइन किया था, वो कितना आया था, 20,000 स्टैंडर्ड हो गया, और 30,000 आपका एक्चुअल कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल में समझें, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हम सोचते हैं या एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्शन पे, इसका कॉस्ट लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस जो आए वो कितना आया था, 10,000, ठीक। और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, जिसे हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन से पहले क्या होती है कि डिसाइड कर ली जाती है कि किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या करती है, वो नहीं होती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट।